ड्राइव उन लैंड माफियाओं के लिए चल रहा है। जिला बांडीपोरा से भारतीय जनता पार्टी के नेता इंजीनियर ताहिर ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर लोगों को भड़काने वाले नेताओं पर कड़ा हमला किया है। इंजीनियर ताहिर ने कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान गरीब लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिन्होंने अपनी सरकार का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए, और जब आज की सरकार उनसे सरकारी जमीनों को वापस ले रही है तो वह इसके लिए गरीब लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इंजीनियर ताहिर ने कहा कि प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भाजपा अध्यक्ष ने पहले ही साफ किया है कि इस अभियान में गरीब लोगों को छूट दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 बहादुर जवानों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया था। हंडीपुरा से न्यूज जम्मू के लिए प्रिंस अयाज की रिपोर्ट। ड्राइव उन लैंड माफियाओं के लिए चल रहा है जिन्होंने 100-100 कनाल, 200-200 कनाल, 400-400 कनाल अपने बेटों के नाम, अपने बीबियों के नाम, अपने बच्चों के नाम किया हुआ है। यहाँ तक कि हमारे जो चीफ श्रीमान रविंदर रैना जी, वो अक्सर पिछले कई टाइम से इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये गरीब जनता जो है, जिनके पास 15 मरले जमीन, 5 मरले जमीन या 10 मरले जमीन जिनके पास भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी इस प्रकार से ये कह दिया है कि इन लोगों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर साहब ने भी ये कहा, मेहता साहब ये कह चुके हैं कि उन लोगों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी जिन लोगों ने 100-100 कनाल, 200-200 कनाल, 400-400 कनाल खाए हैं। ये ड्राइव उन लैंड माफियाओं के लिए है और उन लोगों को हम लोग इस तरीके से संज्ञान में लेंगे जिन लोगों ने ये गलत काम किया है। और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ जो इस ड्राइव को गलत तरीके से मार्केट में ये शोषा बना चुके हैं। आज के डेट में ये तब कहाँ थे, आज के डेट में इनके 3 पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में है, वो इस बात को क्यों नहीं कहते हैं, वो इस बात को गरीब जनता के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़े लैंड माफियाओं का काम इन लोगों की ही सियासत में हुआ जिस माध्यम से ये सब चीजें हो गई। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से, आज जो दिन है, मैं उन सब पुलवामा अटैक के शहीद भाइयों को मैं नमन करता हूं। आप लोगों के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।